अब हम जा रहे हैं प्रोटेस्टा के क्लासिफिकेशन को पढ़ने। और प्रोटेस्टा के क्लासिफिकेशन में जो मैंने पहला बताया था उसका नाम क्या था, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा है क्या, मैंने बताया कि गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइटा का कॉमन नेम है। अगर कॉमन नेम पूछेगा तो गोल्डन एल्गी। जितने भी क्राइसोफाइटा है वो सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से सबको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कहते हैं कि 80% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द केस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की वजह से 80% ऑक्सीजन जो हम लोग पाते हैं वो 80% ऑक्सीजन कहाँ से आता है, क्राइसोफाइटा से होता है। क्राइसोफाइटा के पास सेल वॉल तो पाई जाती है लेकिन उस सेल वॉल पे सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका का डिपोजिशन होने के वजह से क्या होता है, जब ये क्राइसोफाइटा गोल्डन एल्गी या इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं डाई एटम्स, ये डेड हो जाता है तो ये लेयर जो होती है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होती है और डिपॉजिट होते होते एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं डाई एटोमोनियस, डाई एटोमोनियस अर्थ, डाई एटोमोनियस अर्थ। और इसी वजह से इसको हम कहते हैं ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये जब एक दूसरे पर डिपॉजिट होता है एक बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये बात हुई क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं पिन्नेट और एक को कहते हैं सेंट्रिक। कैसे पता चलेगा पिन्नेट क्या है, कौन सा सेंट्रिक है? अगर सोप के डिब्बे के जैसा है, जैसे ये है उसके बाद सोप का डिब्बा खोलने बंद करने के लिए, तो उसको हम पिन्नेट कहते हैं। पर अगर गोल है एकदम पेट्रल डिस्क के जैसा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रिक कहते हैं। जो पिन्नेट होता है ये हमें पढ़ना है, सेंट्रिक वाला हमें नहीं पढ़ना है। पिन्नेट वाले को मैंने बताया सोप जैसा, इसको बताया मैंने पेट्रिक जैसा। पिन्नेट वाला बायलैटरल होता है, यानी सिर्फ एक तरीके से, यानी अगर ऐसी चीजें हैं सिर्फ एक पोजीशन से इनको इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, बाकी कहीं से भी काटेंगे इक्वल हाफ नहीं कटेगा। लेकिन रेडियल क्या होता है कि कहीं से भी काटिए इक्वल हाफ में कट जाएगा। तो सेंट्रिक क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, और पिन्नेट की क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। फिर आते हैं आगे, ये एक डिप्लॉयड है यानी 2n स्टेज का है और इसके अंदर सेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखे जाएंगे। फ्लाजिला इनके अंदर नहीं होता है और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो पॉलीसेक्राइड है। और अगर पिन्नेट का हमसे स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम में तो हम दिखाते हैं कि साबुन के जैसे के डिब्बे के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जो ऊपर का कवर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इपीथिका और जो नीचे का कवर होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथिका। तो ये बात हुई क्राइसोफाइटा की। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमें इसके बाद पढ़ना है।